हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था उसे अब क्या करना है। मतलब कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट से पहले का प्रोसेस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है, एंड जिस बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था एंड उन्होंने जो है सीट को अपनी फ्रीज कर दी थी तो उसे अब क्या करना है, एंड जिस बच्चे का फ्रेंड्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था एंड उन्होंने जो है सीट को फ्लॉट की थी तो उसे अब क्या करना है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, आपके पास जो है अपना मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने का दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो है जब आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमें जो है आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करके आप चेक करते हैं। बट फ्रेंड्स, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्या पता फ्रेंड्स उसमें जो है आपका जो है मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका नाम उसमें स्किप हो जाए। तो फ्रेंड्स, 100% आप अगर कन्फर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको जो है फ्रेंड्स जो है ID लॉगिन करके चेक करना है। एंड ID लॉगिन करके किस प्रकार चेक करना है इसके रिगार्डिंग जो है मैंने वीडियोस बना रखा है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो है लिंक वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो सेकंड जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, उसमें जो है आपको ID लॉगिन करके चेक करना है। एंड जब आप ID लॉगिन करके चेक करेंगे तो अगर आपका नाम आया होगा तो उसमें फ्रेंड्स लिखा होगा कि आपको जो है इस कॉलेज में आपका नाम आया। बट अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का मतलब लिखा होगा, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड। इसलिए फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये बताया है कि आप जो है अगर 100% कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप ID लॉगिन करके चेक करें, क्योंकि कोई पता नहीं है फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है PDF उसमें किसी का नाम स्किप भी हो सकता है। इसलिए अगर आप 100% कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप जो है इस प्रकार चेक कर सकते हैं। जब आप ID लॉगिन करेंगे तो मतलब कि एक्टिविटी लिस्ट में कुछ इस प्रकार का शो होगा, एंड जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे एक मैसेज लिखा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर सीट एलोकेशन, मतलब कि किस कॉलेज में आपको एलोकेट किया गया है सीट या नहीं किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा। तो आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको सीट मिली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने जिस प्रकार आपको बताया उस प्रकार जो है आप चेक कर लें। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम नहीं आया है, मतलब कि वो 100% क्लियर है, मतलब कन्फर्म कर चुका है कि उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अब उसे जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। एंड जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 24 अगस्त को आएगी या उससे पहले भी आ सकता है। तो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि गाइस आपके पास जो है 24 अगस्त एंड 25 अगस्त मतलब कि आपके पास एक या दो दिन का ही टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो गाइस बहुत कम टाइम दिया गया है, तो इसके लिए आपको किस प्रकार अरेंज करना है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अरेंज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप अपने जो है SCERT दिल्ली की जो प्रोस्पेक्टस है DLED की, जब आप पेज नंबर 6 पे आएंगे तो यहाँ पर जो है आपके सेकंड मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो गाइज, जो मैं इस वीडियो में कुछ भी आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैं बताऊंगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन्होंने सीट फ्रीज या फ्लोट किया था उन्हें क्या करना है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया था, हम उसी चीज़ का बात कर रहे हैं, तो अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उससे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो है आपको 24 अगस्त मतलब कि 24 अगस्त को अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, फर्स्ट मेरिट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, तो 24 अगस्त को आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 एंड 25 अगस्त दो दिन का आपको टाइम दिया गया है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो गाइज, यहाँ पर बहुत कम टाइम दिया गया है एंड इसी दौरान जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है, मैं रिपीट अगेन कर रहा हूँ, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है मतलब कि सेकंड मेरिट लिस्ट में, चाहे वो कॉलेज आपको पसंद है या नहीं है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। बिकॉज फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने यही आपको इन्फॉर्म किया है कि आपको जो है पसंद की कॉलेज मिले या ना मिले, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, एंड इसी
वेस मतलब इसी आधार पे जो है आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कॉलेज ये चेक करता है कि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। एंड गाइस यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, एक भी वीडियो नहीं है जिसमें ये बताया गया है कि आपको सीट पसंद है या नहीं है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ऐसा कोई नहीं बताया। बट फ्रेंड्स ओनली मैंने ही बताया आपको, मैंने कई सारे स्टूडेंट के जो है डॉट क्लियर किए हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट के जो है एडमिशन कैंसिल होने से बचाया है, बिकॉज फ्रेंड्स मुझे इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का जो है एडमिशन कैंसिल हो। जो कुछ भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होता है मैं चाहता हूँ कि आपके साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। एंड फ्रेंड्स सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी कॉलेज मिलता है, मतलब आपको पसंद आए या ना आए, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। एंड अगर आप सेकेंड मेरिट लिस्ट में सीट फ्लॉट या फ्रीज करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपको 1800 रुपीज़ तो पे करना ही होगा, ये पार्ट एडमिशन फीस है। एंड उसके आगे का प्रोसेस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था एंड उन्होंने सीट फ्रीज की थी तो उन्हें अब क्या करना है, जिन्होंने सीट फ्लोट किया था उन्हें अब क्या करना है, बट आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था एंड उन्होंने सीट अपनी फ्रीज कर ली थी तो उसे अब क्या करना है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि सीट फ्रीज का मतलब होता है कॉलेज में एडमिशन फाइनल कर लेना, मतलब कि जिस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है उसमें आपने एडमिशन ले लिया है, फ्रीज का मतलब ये होता है। तो फ्रीज अपने जब आपने सीट फ्रीज कर दिया है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका कॉलेज नेम आया था उसमें आपने ऑलरेडी जो है एडमिशन ले लिया है, मतलब फाइनल कर लिया है। तो इसमें आपको ये करना है कि अब जो है फ्रेंड्स जब आपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है मतलब सीट फ्रीज किया है उसमें फ्रेंड्स आपको कॉलेज वाले जो हैं वो बताए होंगे आपको कि अब क्या करना है, वो बताए होंगे कि आपको जो है फीस पे करना है एंड इस दिन जो है आपको कॉलेज आना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करना है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है इन्फॉर्मेशन वो कॉलेज ही आपको दे दिया होगा, कॉलेज में जो भी मैम या सर होंगे वो आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। बट उन स्टूडेंट का डाउट ज़्यादा है जिन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट फ्लोट की थी। तो अगर फ्रेंड्स जिस बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था एंड उन्होंने सीट जो है फ्लोट की थी तो उनको क्या करना है, फ्लोट का मतलब है कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है तो आपको अगर आपको पसंद नहीं है इसलिए आपने जो है सीट फ्लोट की थी। तो इसके रिगार्डिंग जो ये है कि आपने तो है जिस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जिस कॉलेज में नाम आया था उसमें तो आपने ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है चाहे आपको कॉलेज पसंद आए या ना आए। तो जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो उसमें जो है आपको अपना नाम चेक करना है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा जिस बच्चे ने सीट फ्लोट किया था। तो जिस बच्चे ने सीट फ्लोट किया था एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने सीट फ्लोट किया था एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है तो आपने तो ऑलरेडी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया था, तो उसकी जो स्लिप है एंड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग आप लेकर गए थे साथ में एंड स्लिप जो आपको मिला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, वो सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है उस कॉलेज में लेकर जाना है जिस कॉलेज में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आता है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉलेज जो है अगेन आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखता है कि आपने जो है सीट फ्लोट की थी एंड किस कॉलेज में आपका आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था। एंड क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है उसमें आपको जाना ही होगा, क्योंकि आपको जो है सीट फाइनल करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगेन आपका जो है डॉक्यूमेंट्स सभी चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ओनली वन टाइम होता है, बट जो भी आपको स्लिप मिला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एंड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ड्यूरिंग जो आप लेकर गए थे वो सभी आपको लेकर जाना है सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है उसमें आपको जाना ही है। आप भूल से भी ये गलती मत करना कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया है एंड मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया है तो अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा मतलब कि गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसे में जो है एडमिशन कैंसिल हो जाता है। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी जिस कॉलेज में आपका नाम आता है चाहे वो पसंद के मिले या ना मिले, फिर भी उसमें भी आपको जाना ही है सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्लिप भी लेकर।
सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे जो है अपलोड करता रहता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।